मैंने शॉर्टकट, है ना? देखो इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने ये केस नंबर वन, केस नंबर टू, थ्री, ये सारे कर लिए थे। इस केस के बाद पेज नंबर थ्री पे कुछ न्यूमेरिकल थे जो हमारे पेंडिंग थे, तो इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल प्लीज पढ़ना। देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन सीधा मूव करता हुआ आ रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 इनटू 10 की पावर 4, एंटर द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी गिवन है, आपको बताना है ड्रॉ इट्स ट्रेजेक्ट्री। पहले इसमें ये बताओ, फ्लेमिंग का रूल लगाएं, बी कैसे है बोर्ड के इनसाइड, सेंट्रल फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, लेकिन ये कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, तो अगर नेगेटिव नेगेटिव की तरफ फिंगर तो जाएगी नहीं, अगर नेगेटिव राइट जा रहा है तो पॉजिटिव कहां जा रहा होगा, लेफ्ट, इमेजिन कर लेते हैं, उसके ऑपोजिट, तो फोर्स एक्सपीरियंस कहां लगेगी, नीचे। क्लियर है यहां तक? तो आपने इमेजिन कर लेना है, इलेक्ट्रॉन के साथ तो सेंट्रल फिंगर नहीं जा सकती, तो आपने इमेजिन कर लेना है कि इलेक्ट्रॉन राइट आ रहा है तो प्रोटोन कहीं लेफ्ट जा रहा है, तो नीचे, तो नीचे का मतलब इसकी ट्रेजेक्ट्री बनेगी तो सर्कल, पर ऊपर की तरफ नहीं बनेगा, नीचे बनेगा, ठीक। दूसरा रिजल्ट, इलेक्ट्रॉन क्योंकि 90 डिग्री पे एंटर कर रहा है तो एग्जिट भी कितने एंगल पर करेगा, 90, तो फिगर क्या बनेगी, सेमी सर्कल। क्लियर यहां तक? फिर इसका रेडियस बताना है, रेडियस का फॉर्मूला ये करने की जरूरत नहीं है, हमें याद है फॉर्मूला एमवी बाय बीक्यू, क्यू की जगह चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, वेलोसिटी गिवन है, बी गिवन है, चार्ज गिवन है, आर की वैल्यू आ गई, ठीक है यहां तक? तो आर की वैल्यू आ गई। फिर ये भी बताना है एक इलेक्ट्रॉन ने कितना टाइम स्पेंड किया यहां से यहां मैग्नेटिक फील्ड में, तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इसका क्या होगा बोलो, पाई आर अपॉन वी, आर हमने निकाल लिया, वी हमें गिवन है, पाई हमें पता है, टाइम आ गया, ठीक है यहां तक? इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस गिवन, इलेक्ट्रॉन है, रेडियस गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड पी गिवन है, स्पीड निकालनी है इलेक्ट्रॉन की, भाई जब रेडियस पता है तो रेडियस का फॉर्मूला सीधा लगाओ, कुछ नहीं करना, रेडियस क्या होता है, एम वी बाई बी क्यू, तो एम वी इधर है, बी क्यू नीचे है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो वी आ गया, बी पता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, रेडियस पता है और मास पता है, तो वी कैन बी कैलकुलेटेड, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस, देखो मैंने बोला पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस वी बताओ जिससे कि ये स्पीड एक्वायर की जा सकती है, तो स्पीड का मतलब काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ई इंटू वी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, तो यहां से कैपिटल वी की वैल्यू आ गई, तो वी वेलोसिटी हमने निकाल ली, एरी हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास पता है, पोटेंशियल की वैल्यू आ गई और पोटेंशियल की वैल्यू हमने निकाल ली है, कोई डाउट इसमें? तो चार्ज इनटू पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है और वहां से वी कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है यहां तक? देखो जरा,
क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन बीइंग आफ्टर बीइंग एक्सेलरेटेड, ध्यान आगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 की पावर 4 एंटर द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी गिवन है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन फाइंड रेडियस आर। तो पोटेंशियल गिवन है ना, पोटेंशियल गिवन है तो एनर्जी दी आपने इलेक्ट्रॉन को, चार्ज इंटू पोटेंशियल इज एनर्जी, आपको इसमें क्या निकालना है रेडियस। तो ये स्टेप करने की बजाय मैंने आपको बोर्ड पे पी वाला मेथड बताया था और ये सीधा आंसर आ गया, थोड़ी देर पहले मैंने किया था ना, लिख लो मैंने कहा, तो 2mqv/qp, तो चार्ज इसमें इलेक्ट्रॉन का है, मास पता है, v पता है और b पता है, सीधा आंसर आएगा। तो ये वही क्वेश्चन है जो सब्जेक्टिव शीट में हमने अभी लिखा था, वो शॉर्टकट लिखा था। नेक्स्ट देखो, हमने ये लास्ट केस किया था, केस नंबर 6, इसी शीट में ये लास्ट केस देख रहे हो, केस नंबर 6। तो इसमें इलेक्ट्रॉन सीधा निकल जाता है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये सेम क्वेश्चन है। इसमें ये बताया जा रहा है इलेक्ट्रॉन बीम मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है, इसका यूनिट्स टेस्ला होने चाहिए, वेबर पर मीटर स्क्वायर है, ये अगले चैप्टर में बताएंगे, फ्लक्स से आता है, टेस्ला ही है समझो ये, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है, दोनों साइमल्टेनियसली एक्ट करते हैं। वो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन का पाथ अनडेविएटेड है, मुड़ा ही नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सर्कल में मुड़ेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड पैराबोला, वो अनडेविएटेड सीधा चला गया, सीधा कब जाएगा जब मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स बराबर है। तो हमने केस नंबर 6 में फॉर्मूला भी लिखा था, उस केस में वेलोसिटी क्या होती है, e/b, e पता है, b पता है, वेलोसिटी आ गई। फिर नेक्स्ट में कह रहे हैं कि फिर से स्पीड निकालो, वेलोसिटी बताओ, जब इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा दिया सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा दिया सिर्फ मैग्नेटिक प्रेजेंट है, तो पार्टिकल विल मूव इन अ सर्कल। तो आपको इसमें क्या निकालना है, रेडियस बताना है और वेलोसिटी आपने निकाल ली, मास पता है, बी पता है और क्यू पता है, रेडियस की वैल्यू आएगी। तो मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड अकेला रह गया तो सर्कल, और अगर दोनों प्रेजेंट है तो स्ट्रेट लाइन हो सकता है। क्लियर है यहां तक? हेलिक्स के ऊपर क्वेश्चन है प्लीज। क्वेश्चन देखो, देखो क्वेश्चन है, बीम ऑफ प्रोटॉन्स, आगे ध्यान दो, बीम ऑफ प्रोटॉन्स एंटर्स मैग्नेटिक फील्ड बी, प्रोटॉन गिवन है, ध्यान आगे, मैग्नेटिक फील्ड बी गिवन है, वेलोसिटी गिवन है एट एन एंगल ऑफ 60, जब वी और बी में एंगल 90 तो सर्कल, और अगर 90 से कम तो हेलिक्स। वैसे भी पता लग ही रहा है, फाइंड रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ। वैसे सर्कल में रेडियस होता है mv/bq, हेलिक्स में मैंने लिखाया था फॉर्मूला mv sin θ/bq, mv/bq θ, सब पता है आंसर। फिर निकालना है कि पिच ऑफ द हेलिक्स क्या होगी, आप चेक कर सकते हो इसी असाइनमेंट की स्टार्टिंग में पिच का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, v cos θ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू एक चक्कर का टाइम कैपिटल टी। तो वी पता है, थीटा पता है और कैपिटल टी मुझे निकालना पड़ेगा। कैपिटल टी निकालने के दो तरीके हैं,
एक चक्कर या तो लिखो 2πm/bq टाइम में पूरा होता है, सीधा लिखो टी को पुट कर दो आंसर। कई बुक्स ऐसे नहीं करती, कई ऐसे करती हैं। एक चक्कर का डिस्टेंस लेती है टाइम पीरियड में, डिस्टेंस इज 2πr, और कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है पार्टिकल को सर्कल में घुमाने के लिए, वी साइन थीटा। किया था लास्ट टाइम 2πr/v साइन थीटा। क्लियर यहां तक? ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, बात एक ही है, कोई मर्जी मेथड से लगा लो, टी को यहां पुट कर देना, पिच आ जाएगी। मेथड समझ में आ रहा है यहां तक? बोल, ठीक, डाउट है, क्लियर है यहां तक? 2πm/bq वैसे फॉर्मूला ठीक ही है। जैसे प्रोटोन प्रोजेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड बी गिवन है, ट्रेवल्स हेलिकल पाथ, रेडियस गिवन है और पिच गिवन है, फाइंड कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द प्रोटोन अलोंग एंड परपेंडिकुलर। तो यानी कि आपको वेलोसिटी का कॉम्पोनेंट निकालना है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ जाएगा और दूसरा उसके परपेंडिकुलर जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वी साइन थीटा और अलोंग क्या जाता है, वी कॉस थीटा, दोनों निकालने हैं। आपको इसमें रेडियस पता है, रेडियस का फॉर्मूला लगाओ, वी साइन थीटा एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, पुट किया आंसर, एक आंसर आ गया। फिर उसी तरीके से पिच गिवन है, पिच क्या होती है, वी कॉस थीटा इंटू टी। तो आप एक काम कर सकते हो, आपको वी कॉस थीटा निकालना है, वी कॉस थीटा इज पिच डिवाइडेड बाई टी। पिच आपको गिवन है टाइम पीरियड एक चक्कर का, या तो निकाल लो 2πm/bq से, या फिर एक चक्कर का डिस्टेंस 2πr अपॉन परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जो कि क्या होती है, वी साइन थीटा, वही पुराना केस। या ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, बात एक ही है। तो आंसर निकालो टी का, टी को यहां पुट करो आंसर। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है? ठीक, और लास्ट 2 मिनट का टॉपिक बुकलेट में।